अगर आपने मैट्रिक नहीं किया तब आप बी आई एन सर के तब आप हाउस बिल्डिंग करें। हाँ, तब कर ले, तब पढ़ा नहीं है तो तब। दूसरी बात, मैं एक हाउस बिल्डिंग करता हूँ जो कि बहुत पैसे मिलते हैं जिसमें। उनसे काफ़ी लोगों का मुझे सवाल आता है यार, हाउस बिल्डिंग करनी है हमने तो हम हाउस बिल्डिंग कैसे करें, हमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, बैचलर नहीं करना, हमने मास्टर्स नहीं करना, हमने आना ही हाउस बिल्डिंग के लिए, तो कैसे है? यहाँ पे लोग 17-16 के होते हैं, हाउस बिल्डिंग कर रहे होते हैं और महीने के 2000 यूरो पर कमा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की हाउस बिल्डिंग होती है और हाउस बिल्डिंग में एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप हाउस लैंडर है ना, आपको डुच चाहिए, डुच के लिए बी आई एन चाहिए, हाउस बिल्डिंग का बी आई एन स्किप करा नहीं सकते। हाँ, हाउस बिल्डिंग के 700 यूरो फर्स्ट मंथ, 1200 यूरो सेकेंड मंथ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उससे आपसे 1500 पे आ जाओ। उसके बाद आपके आज के मुताबिक मिलते हैं, ठीक है? क्या आपने हिम्मत नहीं हारनी इधर आके और ऑप्शन फाइंड करनी है। ऑप्शन यहाँ पे बे इंतहा ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर एमआर पॉडकास्ट। बहुत से लोग यार सवाल करते हैं, मेरे साथ अब अहमद आ ही गया है, अहमद प्रो है यहाँ का हाउस बिल्डिंग का, फाक होक चूल्हे, जितने भी एफएससी मैट्रिक के बाद जो लोग हैं ना, उन्होंने 2 साल के एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह, जर्मन लैंग्वेज सीख लिया, 2 साल हो गया ना, ढाई साल हो गए। तो हम पूछना चाह रहे हैं, मैं पूछूँगा, काफ़ी लोगों का मुझे सवाल आता है यार, हाउस बिल्डिंग करनी है हमने तो हम हाउस बिल्डिंग कैसे करें, हमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, बैचलर नहीं करना, हमने मास्टर्स नहीं करना, हमने आना ही हाउस बिल्डिंग के लिए, तो कैसे है? फिर वही बात है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो जर्मन सीखनी पड़ेगी और इनविटेशन पीछे से आपको तो कोई है नहीं ना, या अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए आए तब तो आपको पता है ना, आप किसी आपका सोर्स है, जब आपको पीछे कोई सोर्स ही नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मामा चाचा ये वो है, वहाँ बैठ के आप जर्मन सीखो, मामा चाचा को कोई लेटर भेजो, बना के रखो यार थोड़ी बहुत, आके मिस करा देना बेशक, आ जाओ एक दफ़ा यहाँ पे, उनके लेटर इनवाइट उन्हें कहो सेंड करें, अपना लैंग्वेज सीखते रहो, बैठ के जब इनवाइट भेजेंगे एम्बेसी को दिखाओ जी मैंने बेवन तक किया है, मैं जाके जो हाउस बिल्डिंग पकड़ लूँगा, बात खत्म होगी, वहाँ बैठे अप्लाई कर लो, ठीक है? यही डायरेक्ट था, आसान सा तरीका हाउस बिल्डिंग का। अब हम बात करते हैं किस टाइप की हाउस बिल्डिंग होती है और हाउस बिल्डिंग में एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, क्या रिक्वायर्ड? सबसे पहले हाउस बिल्डिंग में लोग जो गलती करते हैं, लोग समझते हैं हाउस बिल्डिंग को, हर एक हाउस बिल्डिंग एक जैसी है। हाउस बिल्डिंग्स के भी रैंक होते हैं, मिसाल के तौर पे होप शूल है जो कि 9th क्लास है, वो करके आप मिताल में जा सकते हो, मेटल इंडस्ट्री या जो भी मेटल वर्क जो होता है, मिताल कहते हैं। अगर आप उसके साथ बेगूफ शूले जा रहे हैं, 3 दिन आप बेगूफ शूले जाएंगे, 2 दिन आप जॉब पे जाएंगे, उसके आपके ये 3 साल की आपकी प्रैक्टिस होगी, 3 साल की डिग्री होगी, इसमें आपको फर्स्ट ईयर आपको 700, सेकंड ईयर 1200 और नेक्स्ट ईयर आपकी 1500 हो जाएगी, उसके बाद आपकी महीने की स्टूडेंट के आज के मुताबिक होगी, घंटों के मुताबिक होगी। तो आप इतनी यंग एज में अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे लोग 17-16 के होते हैं, हाउस बिल्डिंग कर रहे होते हैं और महीने के 2000 यूरो पर कमा रहे होते हैं। अच्छा, 2000 यूरो, वो इससे तो हम मास्टर पीएचडी के बाद नहीं कमा रहे होते। इस फील्ड में मिताल में लोग बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। So, ये रियाल की बात कर सकते हो? ये हॉप रियाल से भी पहले कर सकते हैं, रियाल से भी पहले 8वीं के बाद ये आप किसी भी एज में कर सकते हैं, इसके लिए आपको डुच चाहिए होती है, कोई तो एज होगी ना, मतलब 8वीं तो किया हो बंदे ने। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप हाउस लैंडर है ना, आपको डुच चाहिए, डुच के लिए बी आई एन चाहिए, हाउस बिल्डिंग का बी आई एन स्किप कर नहीं सकते। सही है, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो मैटर नहीं करेगा। 18 आप 16 तक आपको स्कूल जाना पड़ेगा, यहाँ जर्मन का स्कूल है, आपको 16 तक स्कूल जाना पड़ता है और 16 तक आप इतना कार ही लेते हैं। सही है, मतलब 12 साल की एजुकेशन हो, 10 की भी हो, 8 साल की भी हो, बस जर्मन सीख लो और हाउस बिल्डिंग पकड़ लो। और मेरे ख्याल से मैंने ये सुना है कि 5 साल 5th क्लास तक ना बच्चे के रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट आते नहीं है, उनको जज नहीं किया जाता। ये थी फर्स्ट रैंक मिताल, मतलब कि आप मिताल इंडस्ट्री में चले जाते हैं, आपको आपको लगता है जैसे मैकेनिक है, आप कार की मैकेनिक है, तो आप हॉप शुलर के पास जा सकते हैं। सेकंड रैंक आता है रियाल शुलर के बाद आपकी हाउस बिल्डिंग अपने रैंक थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप ड्राइवर बन सकते हैं, ड्राइवर में इतनी मेहनत नहीं है, आप बस ड्राइवर बन सकते हैं और इस इलेक्ट्रो टेक्नीशियन ऐसा कोई नाम है, हार्डवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर बन सकते हैं, ट्रक ड्राइविंग भी, बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो यहाँ पे बेइंतहा है, लेबर फोर्स कम है इनके पास और काम ज़्यादा है, ये तो है, बहुत यहाँ पे तो लोग पागल होते हैं, चाहिए होता है। सेकंड थर्ड पे आता है होकशुल, जिसमें आती हैं 2 ऑप्शन, अभी तो है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपकी जो हाउस बिल्डिंग होगी वो होगी यूनिवर्सिटी के लेवल के बराबर, क्योंकि वो भी 3 साल की डिग्री है और आपको इसमें पढ़ना पड़ता है,
ये नहीं कि ये प्रॉपर पढ़ाई होगी, प्रॉपर पढ़ाई होगी लेकिन प्रैक्टिस के साथ। ये ज़्यादा जो लोग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम जिनका शौक है ना, मेरे ख्याल उनके लिए बेस्ट है। और मजे की बात इसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं यार, पढ़ाई के पैसे मिल रहे हैं यार, कहाँ मिलते हैं यार। जो भी है लेकिन सिखा भी रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और बाद में काम भी मुफ्त में तो नहीं लेंगे ना, उसके भी पैसे देते हैं। लोग काफ़ी ये करते हैं कि लोग यहाँ पे आगे सब्जेक्ट अभी किया अभी तो कर लेते हैं। अगर नहीं शौक, अगर सिर्फ पैसे ही कमाने हैं तो भाई 2 साल लगा लो। अगर हाँ 2 साल के अंदर ये नहीं कि तुम पैसे नहीं कमा रहे, तुम्हें किंदे गल जाएंगे, उसके बाद आपके आज के मुताबिक मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप क्या करते हो कि यार मेरी फैमिली है, मैं ज़्यादा कमा जाता हूँ, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप आउट सिल्फे पे चले जाओ। आउट सिल्फे पे होता है आपको, आउट सिल्फे में आप 45 घंटों से ज़्यादा काम कर नहीं सकते और उसका कोई टैक्स भी नहीं होता यार। ये बड़े ज़बरदस्त 450 यूरो मैं करता हूँ ये 450 होता है, मिनी जॉब कहते हैं उसे आउट सिल्फे को। यहाँ पे मिनी जॉब में ये होता है कि आप 450 यूरो कमाते हो, उसका कोई टैक्स नहीं होता। तो आप एक फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो साथ में मिनी जॉब पकड़ लो तो उसका टैक्स नहीं होगा, या हाउस बिल्डिंग कर रहे हो साथ में वो कर लो। सिंपल बात ये कि जर्मन अपॉर्चुनिटी है, अगर दिमाग से चले। मैं जब नया नया था मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, गाइडेंस चाहिए होती प्रॉपर मेरा। मैं पागल हो गया, मैं तकरीबन पागल हो गया था, मुझे समझ नहीं आई थी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आकर हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करने की सोची थी, बट मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, मैंने अपनी डूट सही की, मैंने मेहनत की, और फिर मैंने वक्त के साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे ये करना चाहिए। वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा, एकदम आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा। जो बात यह कि आपने हिम्मत नहीं हारनी इधर आके और ऑप्शंस फाइंड करनी है। ऑप्शंस यहाँ पे बेइंतहा ऑप्शंस हैं, सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, वो लोगों को यहाँ पे आके नहीं मिलती। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि यार सही गाइडेंस मिल जाए, उन बंदों से मिल जाए जो कुछ सही कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। वरना गलत गाइड करने वाले मेरे ख्याल में बहुत मिल जाएंगे यार आपको, क्योंकि वो खुद उन्हें बेचारों को गाइडेंस नहीं मिली तो वो आपको सही गाइड कैसे करेंगे। एक दोस्त था, वो उसने एक बंदे ने उसको नहीं नहीं आया था, उससे स्टडी नहीं हो रही थी। एक बंदे ने उसको डोनर लाते हैं मैथ पे काम कर, तो मैं 1200 यूरो दूंगा। हाँ वो लग गया होगा, लग गया, अब रोता है। ना पैसे के पीछे यार अपनी जवानी ज़ाया करते हो, टैलेंट ज़ाया करते हो, मतलब ये एज नहीं है, ठीक है। लाइफ संवारनी है तो 20-25 में थोड़ी खुवारी कर लो, उसके बाद कमाते रहना सारी उम्र, पैसे पैसे ही कमाते यहाँ पे। पैसे के रोना कोई नहीं है, हाँ पैसे के रोने नहीं है। क्या कर रहे हो, इज्जत वाला काम हो, अच्छा काम, सारे काम इज्जत वाले, बट खुवारी वाला ना होना यार। अपने टैलेंट के हिसाब से अगर आप वो काम कर रहे हो तो ठीक है, मुझे डाउट नहीं है, मुझे वो मसला नहीं है। लेकिन आप अगर टैलेंटेड बंदे हो, आप पिज्जा डिलीवर कर रहे हो, मैं कहूँगा यार जाया कर रहे हो। सेकंड ये कि यहाँ पे आके ना लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि लोग कहते हैं ओ माय, यहाँ पे लोग हाउस बिल्डिंग को बड़ा, यहाँ पे इवन कि डच लोग, वो लोग कहते हैं वो डच मोस्टली पढ़ना नहीं चाहते, जो सच्ची बात है। मेरी क्लास में भी है ना, वो कहते हैं कि इतना सब याद करने को मिल जाए ना यार, क्या मिल गया। सही बात है, टीचर पागल है, निकम्मे निकम्मे टीचर पागल है। मैं कह रहा ये है कि कुछ भी नहीं है, सारे डूचे नहीं, जरी बात पढ़ने वाले भी यार पढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन शौक से पढ़ते हैं मोस्टली। मैंने देख जो मैंने देखे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो हाउस बिल्डिंग होते हैं, उनको कोई बोलो ना हाउस बिल्डिंग करनी, वो आपकी बड़ी तारीफ करेंगे। कि भाई बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं बताता हूँ, मैं मास्टर की कहता हूँ भाई क्या कर लिया तूने, मैंने कहा अच्छा कुछ किया मैंने, क्यों हुआ आपके साथ। हाँ हाँ बहुत दफा कहते हैं अच्छा मास्टर किया है, वो कहते हैं भाई हम हाउस बिल्डिंग नहीं हो रही, तू मास्टर करके बैठा हुआ। तो ये लोग जिंदगी से आवाज़ आ रहा है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है जिंदगी से बेचारे आवाज़ आ रहे लोग। चलो जी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट ओके अगर तू कह रहे तो सही कह रहा होगा, आवाज़ डाल दो। अगर आपने मैट्रिक नहीं किया तब आप बी करके तब आप हाउस बिल्डिंग करें, हाँ तब कर ले, तब पढ़ा नहीं है तो तब। दूसरी बात, मैं एक हाउस बिल्डिंग करता हूँ जो कि बहुत पैसे मिलते हैं, जिसमें कौन से जो एल्खावे लोग चलाते हैं ना। हाँ भाई ट्रक, वो भाई यहाँ पे एक हाउस बिल्डिंग है एल्खावे की, वो अगर आप कर लो ना, वो आपका एल्खावे फागर है, फागर कहते हैं उसे एल्खावे फागर, वो आप हाउस बिल्डिंग कर लो 4 साल की हाउस बिल्डिंग है, भी 1 साल ज़्यादा है। हाँ अच्छा, लेकिन या क्योंकि सबसे पहले आपको कराते हैं एल्खावे का फ्यूगर शाइन, एल्खावे जो बड़ा ट्रक होता है, ठीक है साहब, उसका पहले कराते हैं फ्यूगर शाइन। उसके जब फ्यूगर शाइन कराते हैं ना, उसकी वैसे ही फ्यूगर शाइन की पता कितने कॉस्ट है, 10,000 है। वो फ्री में कराते हैं, वो फ्री में कराते हैं, लेकिन आपको 2 साल उसकी कंपनी में एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, वो मस्त काम करना पड़ता है। क्या जा रहा है भाई, 2 साल कुछ भी नहीं कराता। और हाउस बिल्डिंग भाई आप कितना कमाते हैं, मैं मैकडोनल्ड में जाता हूँ ना, मैंने पूछा मैं कितना कमाते हो, कहता है 3500 यूरो मैं कमाता हूँ पर मंथ, पर मंथ।
ये डिफरेंट हाउस बिल्डिंग थी अहमद ने जो हमें बताई, इस तरह आप हाउस बिल्डिंग में आ सकते हो। आई होप अब ये हाउस बिल्डिंग वाला चैप्टर ना क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल थे हाउस बिल्डिंग के ना, और आई एम सॉरी कि मैंने बड़ा लेट बात की है इस पर, लेकिन करनी चाहिए। और मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन किया, यही सारा है जो मेरे जो मैंने सीखा है अभी तक, वो मैंने आपको सबको एक्सप्लेन कर दिया, और यही सब कुछ है। थैंक यू यार, अगर दोबारा कोई चीज़ ना समझ आए हम अहमद को कोशिश करेंगे दोबारा पकड़ने। इधर ही होता है तो जी, पाकिस्तानी जर्मनी के नाम से चैनल है, बॉय को ज़रा जाएँ शो लव, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर वीडियो पसंद आती है, क्योंकि मेहनत करता है, तो फिर आप एक बार देखेंगे मुझे पता दोबारा छोड़ देंगे वो तो ऑब्वियसली बात है, मतलब अगर तो पसंद आती है ना, क्योंकि अच्छा कंटेंट बनाता है बॉय, इसलिए मोटिवेशन चाहिए कि व्यूज व्यूज़ आएँ, लाइक शेक आएँ, बॉय को भी पंप अप करें, वो हमें हम सबको चाहिए होती है, सीधी सी बात है। तो वो आप दें जाके अहमद को, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी यार, इतना जेन्युइन बंदा लगा है तू मुझे, सही है। तो लाइक करें, मैं हर अहमद की हर वीडियो जाके मैं भी लाइक करता हूँ। हम निकलते हैं इंशाल्लाह, अगले पॉडकास्ट में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच यार अहमद, थैंक यू ब्रो, अगले वीडियो में मिलते हैं। चल सही, ओके, अल्लाह हाफिज़ यार, अल्लाह।